साजन खान है, इनका सवाल ये है, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन ज़मीन पाक है या नहीं इस चीज़ का इनको मालूम नहीं है। तो इस चीज़ की कोई मशीन भी नहीं अभी आई कि ज़मीन पाक है या ना पाक वो आपको बता सके। उसूल शरीयत का ये है कि जो ज़मीन या जगह फ़र्श वगैरह आपको सूखा हुआ नज़र आए वो पाक ही होगा जब तक उस पर कोई ऐसी अलामत आपको नज़र ना आए कि जो नापाकी या नापाक होने की गवाही देती हो। उस पर कोई गंदगी नहीं, गीला पानी नहीं, कुछ नहीं। तो अगर नजासत होती है ज़मीन पर, सूख जाती है, तो वो खुद ब खुद पाक समझी जाती है। तो ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। फ़र्श के ऊपर शक शुबा करना ये बेकार है। हाँ, रेत या ज़र्रात हो सकते हैं तो उसको आप कपड़े वगैरह से साफ़ कर सकते हैं और फिर वह नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब अपनी कज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।